बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर महेश भट्ट द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म सारांश के 40 साल पूरे होने पर बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि ये फिल्म आज भी काफी रेलेवेंट है। उन्होंने आगे कहा, मुझे मौका देने के लिए भट्ट साहब को धन्यवाद। मैं इस फिल्म के बाद 40 साल से चल रहा हूँ और चलता रहूंगा। मैंने कल रात 15 साल बाद ये फिल्म दोबारा देखी और भट्ट साहब ने 40 साल बाद ये फिल्म आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी की उस समय में थी। ये फिल्म एक टाइमलेस फिल्म है और हमें अपने बड़ों और बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखानी चाहिए। इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए। इस फिल्म से हमें अपने निजी जीवन में काफी कुछ समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। और क्या कुछ कहा अनुपम खेर और भट्ट साहब ने, देखिए हमारी इस वीडियो में। तो आज मैं भट्ट साहब का आपके लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये मेरे स्कूल आए हैं एक्टर प्रिपेयर्स में। 40 साल पहले मैंने एक आइकॉनिक सीन किया था, वो भी 2 फरवरी 1984 को किया था। और जो टीवी लेने आया नहीं आया हूँ, जो बार बार दिखाया जाता है, उसने मुझे जीवित रखा है। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये फिल्म में इंट्रोड्यूस करने। मैं 40 साल से बरकरार हूँ और बरकरार रहूँगा। देखो, अभी ये आने वाले कल में हिस्टोरियंस ये डिसाइड करेंगे कि किसने किसको पॉपुलर बनाया इतिहास के पन्नों में, अपनी प्रेजेंस को दिलवाया। मैंने किया आपके साथ या आपने मेरे साथ नहीं किया, ये तो आने वाले कल में हिस्टोरियंस बताएंगे। मेरा ये मानना है कि सारांश का जो कद है वो आज इसलिए वो है क्योंकि वो एक ऐसे नौजवान के कंधों पे होके वो फिल्म बनाई गई थी, जिसके अंदर एक ऊर्जा थी, जिसके अंदर एक ईमान था और जिसके अंदर समर्पण करने का जज्बा था। दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड हिम इनटू अ सुपरस्टार। एंड ऑल्सो टुडे इज़ मतलब 5 तारीख को हमारे स्कूल को 19 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देने की परंपरा जो सीखा वो हम देते हैं। आज हम सारांश के ऊपर बात करने आए हैं। सारांश 40 साल से क्यों रेलेवेंट है, उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स को बात करेंगे। उसके बारे में भट्ट साहब और मैं, हमने कल रात को फिल्म देखी। भट्ट साहब ने तो 40 साल बाद देखी, मैंने 15 साल बाद देखी। वो फिल्म अभी भी भट्ट साहब उतनी ही रेलेवेंट है। तो इसकी एक टाइमलेस रूह है जो हर एज में रेलेवेंट रहेगी। और मैं थोड़ा ट्रिविया एक बताता हूँ। कल जब मैं फिल्म देख रहा था तो कास्टिंग चल रही थी, तो कास्टिंग में सूरज बरजातिया का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चौथा पांचवा नाम था उसका। हाँ। तो मैंने उनको सुबह फोन किया। सो बेसिकली ऑन द ईव ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एक्टर प्रिपेयर्स, सारांश का दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को उसका ज्ञान होना चाहिए और भट्ट साहब जो हैं उसके कर्ता धर्ता रहे हैं।